देश की आज़ादी के बाद अलीराजपुर में पहली रेल यात्री गाड़ी के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी पारा तेज हो गया है। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश पटेल ने रेलवे प्रशासन और क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर द्वारा जिले के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने और उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने को लेकर स्थानीय सिनेमा चौराहे पर सांसद डामोर का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश पटेल ने मीडिया को बताया कि बड़ौदा छोटा उदयपुर अलीराजपुर रेलवे लाइन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन है। उक्त रेलवे लाइन की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में अपने झाबुआ प्रवास के दौरान रखी थी। इस रेलवे लाइन को लाने के लिए पूर्व रेल राज्य मंत्री नारायण भाई राठवा एवं पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया का अहम योगदान रहा है। अब जब रेलवे उद्घाटन की बात आ रही है तो भाजपा और सांसद श्री डामोर इसका राजनीतिकरण करने में लगी हुई है। डामोर ने अपने संसदीय कार्यकाल में अलीराजपुर जिले के विकास के लिए अभी तक क्या योगदान दिया है वह जनता को बताए। डामोर सच्चे हितेशी है तो वह झाबुआ की रेल लाइन योजना को मूर्त रूप दिलाए। भाजपा रेलवे लाइन का झूठा श्रेय लेने में लगी हुई है कि रेलवे लाइन में केंद्र की कांग्रेस सरकार और नेताओं का क्या भूमिका रही है। पटेल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में रेलवे प्रशासन द्वारा जिले के किसी भी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया, जो एक तरफ से उन्होंने प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन किया है। झकनावदा से मनीष कुमोट की रिपोर्ट। ये उसको हमारा सपना पूरा किया है, हम सभी का, जनता का सपना जो वर्षों से था वो पूरा किया है। 2008 से सतत जो प्रयास चल रहा था वो आज उसको हरी झंडी मिल गई है शासन से, प्रशासन से और हमारे नेताओं से, तो सब बहुत खुशी की बात है। और जनता, आम जनता खुश है कि हमारे जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर जो ट्रेन आई है तो सुविधा मिलेगी। और चूँकि बड़ौदा मरीजों और पेशेंटों का, हॉस्पिटलों का गढ़ है, प्रतिदिन जाना आना लगा रहता है, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि यहाँ से मरीजों को सुविधा मिलेगी आने जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज इस रेलवे के उद्घाटन के अवसर पर मैं हमारे पूर्व सांसद दिलीप सिंह जी भूरिया को भी याद करना चाहता हूँ। दिलीप सिंह जी भूरिया एक ऐसे सांसद थे जिनका सपना था कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में हर प्रकार की सुविधा हो और वो भी भरसक प्रयास करते रहे, तो मैं आज उनको याद करता हूं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं। उनका भी सपना आज पूरा हो रहा है, आप जहां भी हैं वहां मेरी बात पहुंचे और हम आपके सपने को और साकार करेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे इस अलीराजपुर जिले के दो विधायक परम सम्मानी नागर सिंह जी और हमारे दादा भालू भाई डावर, इन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने भी इस रेल को लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। मैं पिछले 15 साल से, तो मैं नागर सिंह जी को देख रहा हूँ कि ये 15 साल से लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।